नमस्कार, आपण पाहत आहात एटीव्ही इंडिया। एटीव्ही इंडिया मध्ये आपले स्वागत आहे। चला पाहूयाच्या ठळक घडामोडी। मुदखेड शहरात ईद ए मिलादुन नबी उत्साह साजरी। मुदखेड शहरात ईद ए मिलादुन नबी मोहम्मद पैगंबराची जयंती उत्साह साजरी करण्यात आली। पैगंबर हजरत मोहम्मद सलाहू अलैया वसलम यांना ईश्वराने केवळ मुस्लिमासाठी जन्म दिला नसून संपूर्ण जगाच्या कल्याणासाठी जन्म दिला आहे। त्यांनी आयुष्यभर समता आणि बंधुत्वाची शिकवण दिली। ही शिकवण आत्मसात करण्याची गरज आहे असे प्रतिपादन इस्लामपुरा मशिदीचे मौलाना मोहम्मद नजीमुल्ला खान यांनी केले। ईद निमित्त सकाळी 10 वाजता रेल्वे स्टेशन मदीना नगर येथून मिरवणूक व जुलूसमध्ये सुमारे 1000 लोक सहभागी झाले होते। शहरातील प्रमुख मार्गावरून जुलूस जाताना ठिकठिकाणी सामाजिक कार्यकर्ता जुलूसमध्ये सहभागी झालेल्यांसाठी पाणी, शरबत व फळाचे वाटप करण्यात आले। ईद ए मिलादुनबी निमित्त मिरवणूक काढण्यात आल्या। यावेळी मुस्लिम बांधवात एकमेकांना आलिंगन देऊन शुभेच्छा दिल्या। जुलूसचे अध्यक्ष बिलाल शेख रसूल, इस्लामपुरा जुलूसचे अध्यक्ष अहमद सरवर दादू उस्मान, यावेळी नांदेड जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष गोविंदराव शिंदे नागेलीकर, मुझीब अहमद अन्सारी, जहागीरदार नगरसेवक बंदे अली खान पठाण, करीम खान मच्छीवाले, बबलू सेठ सालम, माजी नगरसेवक कैलास गोडसे, इकबाल कुरेशी, मुझीब पठाण, पोलीस निरीक्षक रमेश स्वामी यांनी बंदोबस्त ठेवला होता। MIM शहर अध्यक्ष हुसेन पीर मोहम्मद, पत्रकार तालुका अध्यक्ष ईश्वर पिनलवाळ, डॉक्टर संदीप पचलिंग, छावा संघटनेचे बालाजी सूर्यवंशी, नगरसेवक संजय अहुलवार आदी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते। ATV इंडिया ब्युरो रिपोर्ट, नांदेड। हमारे लिए ईद मिलादुन्नबी सबसे बड़ी ईद है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब तक तशरीफ़ नहीं लाए तब तक दुनिया का माहौल बड़ा बिगड़ा हुआ था। इतनी भयानक जंगें हुआ करती थी, लड़ाइयाँ जब चालू हो जाती तो हज़ारों साल तक लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती थी। यहाँ तक कि सगा बाप अपनी बेटी का इतना दुश्मन हो जाया करता था कि बेटी जब पैदा हो जाती थी वही बाप अपने हाथों से जिंदा दफना दिया करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे पुरफतन ज़माने में, ऐसे अंधेरे तारीकी ज़माने में जब रब ने देखा कि मेरे बंदे एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, इसलिए रब कायनात की मर्ज़ी हुई कि मैं ऐसा उजाला, एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा नूर अता करूँगा जो सुबह कियामत तक के ख़त्म नहीं होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके प्यारे प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में जलवा अफरोज़ फरमाया है। फिर वही रब कायनात इरशाद फरमाता है, मेरी तरफ से अगर तुम्हारी तरफ नेमतें आएँ तो खुशियाँ मनाओ। हमारे लिए मेरे आका के आने की आमद से बढ़कर और कोई नेमत नहीं हो सकती है। आज हमारे घरों में अगर किसी की तनख्वाह 10,000 हो, 11,000 तनख्वाह हो जाए तो हम खुशियाँ मनाते हैं। किसी को एक फ्लैट की जगह दूसरा फ्लैट हो जाए तो खुशियाँ मनाते हैं। हमारे मुस्तफ़ा ने आकर हमें रमज़ान दिलवा दिया है, कुरान दिलवा दिया है। यहाँ तक के नहीं, जब तक मैं राज़ी नहीं होता तब तक मैं मेरे तमाम उम्मतियों को जन्नत में ना देख लूँ। इससे बड़ी खुशी और मेरे आका के आने की नेमत और कौन सी हो सकती है। इसलिए हम ईद मिलादुन्नबी की ईद धूमधाम से इसलिए मनाते हैं, दुनिया व आखिरत में हमारा एक ही तो सहारा है, वो सहारा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रोज़े क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला को कोई नहीं मना सकता है, मनाने वाली अगर ज़ात है तो वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि